तुम उनकी तरफ पोचीदा पोचीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मखफी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रस्ते से भटक गया अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाए और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबाने भी और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ क्यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद

हाँ इब्राहिम ने अपने बाप से ये जरूर कहा कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा और मैं खुदा के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता ऐ हमारे परवरदिगार तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुझू करते हैं और तेरे ही हजूर में हमें लौट कर आना है हमारे परवरदिगार हमको काफिरों के हाथ से अजाब न दिलाना और ऐ परवरदिगार हमारे हमें फरमा बेशक तो गालिब हमत वाला है मुसलमानों को यानी जो कोई खुदा के सामने जाने और रोजे आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे उन लोगों की नेक चाल चलनी जरूर है और जो रू गर्दानी करे तो खुदा भी बेपरवाह और सजावार हमदना है जब नहीं कि खुदा तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे और खुदा कादिर है और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता खुदा तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम है जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आए तो उनकी आजमाइश कर लो और खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है सो अगर तुमको मालूम हो कि मोमिन हैं, तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल हैं और ना वो उनको जायज़ और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो और तुम पर कुछ गुना नहीं कि उन औरतों को महर देकर उनसे निकाह कर लो और काफिर औरतों की नामूज को कब्जे में न रखो यानी कुफार को वापस दे दो और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें यह खुदा का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है और अगर तुम्हारी औरतों में से कोई औरत तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे तो जिनकी औरतें चली गई हैं उनको उस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था और खुदा से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि पैगम्बर सलम जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने को आए कि खुदा के साथ ना तो शिरक करेंगी ना चोरी करेंगी ना बदकारी करेंगी ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी ना अपने हाथ पाओं में कोई बहुतान बांध लाएंगी ना नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए खुदा से बख्शिश मांगो बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है मोमिनो उन लोगों से जिन पर खुदा गुस्से हुआ है दोस्ती न करो क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं इसी तरह उन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं